हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। दोस्तों, बीपीएससी टीजीटी 2023 का एग्जाम जल्द से जल्द होगा, आपके पास टाइम नहीं है और नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन फॉर्म का अवश्य आ जाएगा 100% एंड दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ये आप जान रहे हैं। तो दोस्तों, डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए और मैं डेली बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू एक्सप्लेन करते हुए ला रही हूँ। जैसा कि एक केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग इस वीडियो को देखें और सभी वीडियो को प्रैक्टिस करें एंड यदि थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सभी थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज दिया गया है, वहाँ पर अध्ययन कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। एंड दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आधा पर मत छोड़िए, सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि थोड़ा कठिन सवाल आता है तो आप आधा पर छोड़ के चले जाते हैं। धैर्य बनाइए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लगातार करिए तभी सफलता मिलेगी। बीच में हार मान जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आपको सफलता की ओर ले जाती है, तो इसलिए अभ्यास करने से कतराइए मत। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, VO2 max में सुधार लाया जा सकता है। VO2 max, can VO2 max be improved? VO2 max में सुधार कैसे लाया जा सकता है? VO2 max होता क्या है? अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति अपने अधिकतम क्षमता के स्तर को प्राप्त कर लेता है, लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, उस दौरान एक मिनट में फेफड़ों द्वारा जितनी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसकी मात्रा को VO2 max कहते हैं। VO2 max का मतलब ही होता है अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। तो इसे में सुधार कैसे ला जा सकता है? एक्सरसाइज द्वारा, थ्रू एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिश क्या है, यानी व्हाट इज मसाज? मालिश क्या है? तो मालिश वैज्ञानिक कला एवं हस्त कौशल विधि है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचलन की शीघ्र पुनरावृत्ति है। संचलन यानी कि मूवमेंट, इज देयर अर्ली रिकरेंस ऑफ मूवमेंट। तो संचलन यानी मूवमेंट की शीघ्र पुनरावृत्ति क्या है? फिटनेस। क्या है? फिटनेस। आप फिट हैं तो आप कोई भी चीज की रिकवरी बहुत जल्दी कर लेंगे। यानी कि डॉक्टर हॉकिंस ने कहा है कि मानव शरीर के उचित व्यायामों व पोषण द्वारा प्राप्त की गई इच्छित गति, संतुलन, चुस्ती, शक्ति के साथ चलने की योग्यता को फिटनेस कहते हैं। और फिटनेस एक ये भी होता है कि फिजिकल फिटनेस कहते हैं किसे है, डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी डेली के टास्क को, वर्क को बिना थकान के किया जाए, संपन्न किया जाए और आपातकाल के लिए अतिरिक्त ऊर्जा ही बचा रहे, उसी को कहते हैं फिजिकल फिटनेस। तो माना जाएगा कि आप फिजिकली फिट हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है। इज हैवी एक्सरसाइज गुड फॉर गुड स्लीप? तो दोस्तों, अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम आवश्यक है? नहीं। एक सिंपल व्यायाम, यानी कि एक ऐसा व्यायाम, न ज्यादा कम हो न ज्यादा हो, ये तो ऑप्टिमल लोड होना चाहिए, हमेशा मिनिमम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। भारी व्यायाम कर लेंगे तो आप सोए रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, मसल्स क्रैम्प हो जाएगा, इसलिए ऑप्टिमल करना चाहिए, मीडियम करना चाहिए। तो भारी व्यायाम अच्छी निद्रा के लिए अच्छा नहीं है, आपका बी राइट होगा। एंड नेक्स्ट है कि वयस्क मनुष्य के नब्ज दर, यहां पे हो गया है दोस्तों, नब्ज दर का रेंज क्या होना चाहिए? नब्ज दर, ठीक है, यहां नब्ज होगा, याद रखिएगा, नब्ज दर यानी कि पल्स प्रेशर की बात हो रहा है, ठीक है। द रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं, पल्स प्रेशर ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग बीट पर मिनट कितना होना चाहिए? तो 72 बार होता है, बट कितना होगा इस रेंज में? 70 से 80 बार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, एक सिविल के द्वारा आप क्या सीखेंगे?
What will you learn through a camp? Camp यानी swimming, swimming के द्वारा हम अनुशासन या डिसिप्लिन सीखते हैं. क्या सीखते हैं? डिसिप्लिन. यानी कि एक शिविर यानी कैंप के संचालन हेतु कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को सही से पालन करना होता है. इन नियमों द्वारा शिविर में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन कायम किया जाता है. इसलिए शिविर का जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, वो कठोर होता है सदैव, याद रखिएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना क्या है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का. स्वास्थ्य यानी हेल्थ के प्रति उनकी परिभाषा ऐसा करना क्या है कि पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ एज ए मीनिंग ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग, यानी पूर्ण तंदुरुस्ती. इनके पूर्ण तंदुरुस्ती के कहने का मतलब है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी रूप से वह स्वस्थ है, तभी वो स्वस्थ माना जाएगा. केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही स्वस्थ नहीं माना जाएगा, WHO का ये कहना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए. Should school health records be used? किसके द्वारा किया जाना चाहिए, किसके उपयोग के लिए किया जाना चाहिए स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है कि विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए शिक्षक को मदद हेतु स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए. यानी कि विद्यालय का जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है यदि उत्तम श्रेणी का होता है तो बच्चे को स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रखा जा सकता है. स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग विद्यार्थी को बेहतर समझने के साथ साथ विद्यालय के मुखिया ने स्कूल शिक्षक तथा स्वास्थ्य दल के सदस्यों के लिए उपयोगी होना चाहिए होता है. एंड नेक्स्ट है एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जाती है. एरोबिक फिटनेस सुपीरियरिटी इज अचीव्ड बाय. तो दोस्तों एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जा सकती है. किससे? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट ट्रेनिंग, शॉर्ट स्प्रिंट, ये आपकी अनएरोबिक श्रेष्ठता हासिल करती है. यानी बिना ऑक्सीजन के कम समय के हाई इंटेंसिटी में तैराकी आपकी एरोबिक ही है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता प्राप्त की जा सकती है लंबी दूरी की दौड़ से. ठीक है, लंबी दूरी की दौड़ यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से एरोबिक श्रेष्ठता फिटनेस प्राप्त की जा सकती है. यानी कि एरोबिक से मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और एरोबिक से मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के साथ. यानी एरोबिक प्रणाली में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है. एरोबिक के अंतर्गत जैसे कि मैराथन, क्रॉस कंट्री, अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग, जॉगिंग, लॉन्ग साइकिल रेस एंड लयबद्ध व्यायाम, धीमी गति से दौड़ना, कैलिस्थेनिक, क्रिकेट, बेसबॉल, यानी जो लंबे समय की जो क्रियाएं हैं, एंड्योरेंस जिससे डेवलप होता है वो एरोबिक क्रियाएं होती हैं. और जो कम समय की क्रियाएं होती हैं, कम से कम 45 सेकेंड से एक दो मिनट तक की जो क्रियाएं होती हैं वो अनएरोबिक में आती हैं. उसमें मसल्स बिल्ड होता है, हाई इंटेंसिटी में होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में आवश्यक है. एरोबिक इज नेसेसरी इन एंड्योरेंस एक्सरसाइज. तो एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में क्या आवश्यक है दोस्तों? ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के साथ किया जाता है. एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड जो हमारे लंग्स है, फेफड़े की काम करने वाले ऊतकों को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की क्षमता तथा मेटाबॉलिज्म के अवशिष्ट यानी खराब पदार्थों को बाहर निकालना एरोबिक सहन शक्ति मदद करती है. एरोबिक सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य तीनों तंत्रों यानी कि हृदय तंत्र, रेस्पिरेटरी तंत्र, सर्कुलेशन तंत्र की क्षमता और कार्य शक्ति को सुधारना और बढ़ाना है ताकि कोशिकाओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दी जा सके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के मोटापे का मुख्य कारण है. तो दोस्तों मानव के मोटापे द मेन कॉजेज ऑफ ह्यूमन ओबेसिटी.
मोटापे का मुख्य कारण होता है, आप जितना आप कार्य कर रहे हैं, जितना आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा यदि आप खाना खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भोजन जो बच जाता है वो फैट के रूप में आपके एडिपोज टिश्यू के नीचे जमा होने लगता है, वसी उत्तक की वृद्धि होने लगती है जिससे मोटापा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वसी उत्तक की वृद्धि यानी फैटी टिश्यू ग्रोथ के कारण ओबेसिटी यानी मोटापा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खेलों का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? द गेम द रिक्रिएशनल थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स दिया था जी डी डब्ल्यू पैट्रिक ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स एफिशिएंटिंग मेन फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल फिटनेस यानी जो फिजिकल क्षमता होता है उसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो इसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी कि वंशानुक्रम एंड वातावरण फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करता है। एंड फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन कौन से हैं? नियमित व्यायाम, लिंग, आयु, बीमारी, वर्षानुक्रम, आहार, आसन संबंधी विकृति, वातावरण, जीवन शैली, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वंशानुक्रम एंड वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है, पर्सनल हाइजीन हेल्प किसमें करती है? आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में, द डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करने में, प्रीवियस आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी प्राप्त करने में, उपरोक्त दोनों, बोथ आप एवं उपरोक्त दोनों में स्वच्छता जो है वो सहायक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनके WHO के अनुसार जो हेल्थ की परिभाषा है वो क्या दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है, यानी कि हेल्थ इज नॉट द अब्सेंट ऑफ डिजीज आर वीकनेस बट ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो श्वसन तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्वसन तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव पड़ता है कि इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया की दर में कमी होती है, जितना आप व्यायाम करेंगे उतना आप धीरे धीरे आराम से सांस लेंगे, आप अधिक कार्य कर लेंगे तो भी थकान कम होगी एंड सहन शक्ति, इसलिए सहन शक्ति में वृद्धि होगी, तो ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि व्यायाम से श्वसन तंत्र पर दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ेगी, टाइडल वायु की क्षमता में वृद्धि होगी, श्वसन क्रिया दर में वृद्धि होगी, VO2 मैक्स में वृद्धि होगी, दूसरे श्वास में देरी यानी कि जो सेकेंड विंड होता है उसमें देरी होगी, फेफड़ों और छाती का आकार वृद्धि होगी, सहन शक्ति में वृद्धि होगी, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एस्कॉर्बिक एसिड का कौन सर्वश्रेष्ठ स्रोत है? विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, तो सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला, क्या होता है? आंवला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने की संख्या में खनिज को आवश्यक माना गया है? हाउ मेनी मिनरल्स आर कंसिडरेड एसेंशियल फॉर नॉर्मल हेल्थ, तो कुल 21 तत्वों यानी 21 मिनरल्स की आवश्यकता माना गया है हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स यानी खनिज लवणों की, और इन खनिज लवणों को
दो भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन खनिज लवणों को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स। यानी कि मेजर मिनरल्स जो होता है माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो वो शरीर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। एक होता है लघु खनिज लवण यानी माइक्रो मिनरल्स, जिसे ट्रांस मिनरल्स भी कहते हैं। एक कम मात्रा में बॉडी को जरूरत होती है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, सोडियम, सोलिनियस, फ्लोरिन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एरोबिक्स नहीं होता? तो यहां पे क्रमबद्ध व्यायाम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोबिक्स, तो क्रमबद्ध व्यायाम यानी कि सीरियल नंबर एक्सरसाइज, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक व्यायाम, ये तीनों के तीनों चार तीनों के तीनों आपके एरोबिक्स हैं, बट योग क्रियाएं आपकी एरोबिक्स नहीं होती, योग क्रियाएं आपकी एरोबिक्स नहीं होती। एरोबिक्स में आपका जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक, तालबद्ध व्यायाम आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम कितना करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड एक्सरसाइज साइंटिस्ट, टू स्टे हेल्दी वन शुड डू मिनिमम हार्ड एक्सरसाइज कितना होना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में तीन दिन, आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में तीन दिन आपको एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता यानी फिटनेस और एथलीट कौशल प्रशिक्षण के परिणामों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो जो भी आप, हाउ कैन द रिजल्ट ऑफ मोटर एबिलिटी टेस्टिंग एंड फिटनेस एंड एथलीट स्किल ट्रेनिंग बी डिस्प्लेड? तो जो भी आप फिटनेस या क्षमता परीक्षा का टेस्ट करते हैं, एथलीट का प्रशिक्षण करवाते हैं, तो उसका परिणाम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? जो भी आप परिणाम को प्रदर्शित करते हैं उस संख्या में करते हैं, याद रखिएगा संख्या में, यानी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ तो इतना परसेंट इतना हुआ, तो ये संख्या में करते हैं, तो यहाँ संख्यात्मक आपका राइट होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल। यानी आप सोचते हैं कि जैसे कोई एथलीट 100 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है, तो आप गणना कैसे करेंगे कि 100 मीटर की दौड़ को 10 सेकेंड में समाप्त किया? तो ये संख्यात्मक मापन ही तो है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक बनावट एक महत्वपूर्ण अंश है यानी फिजिकल कंपोजिशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, फिजिकल कंपोजिशन कहिए चाहे बॉडी कंपोजिशन कहिए, एक किसका पार्ट है? तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का, स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल का अनुशासन होता है, व्हाट इज द डिसिप्लिन ऑफ द कैंप? तो कैंप का अनुशासन हमेशा कठोर होता है, हार्ड होता है। अब इन्हीं नियमों के द्वारा सिविल में अनुशासन कायम रखता है, एक संचालन है, तो नियम कानून होते हैं और सख्त होता है कि वो नियम कानून को पालन करना ही होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि मोटापा का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? तो क्या है, जितना आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उतना ही खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आप मोटापा से ग्रस्त नहीं होंगे, लेकिन जितना एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरी आप ले रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो फैट के रूप में बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, तो वही आपको ओबेसिटी यानी मोटापा का कारण होता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक कैलोरी ग्रहण यानी कि एक्सेसिव कैलोरी इनटेक। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारी शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है यानी फिजिकल फिटनेस को? व्हाट इज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीज आवर फिजिकल इफिशियंसी?
तो कौन सा बढ़ाता है, ये आपका डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा डोपिंग पदार्थ है जो हमारे फिजिकल फिटनेस, फिजिकल क्षमता यानी शारीरिक सहनशीलता को बढ़ाता है, तो वो होता है आपका उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेट। ठीक है, उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेट, यानी कि जो उत्तेजक होता है, स्टिमुलेट होता है, यह व्यक्ति को तत्परता, एकाग्रता तथा दर्द का आभास नहीं होने देता। इसको साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स या सिंपैथोमिमेटिक एमिन्स भी कहा जाता है। ये सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है एंड प्रतिक्रिया समय को अच्छा करता है तथा थकावट की अनुभूति को कम करता है, यानी कि हमारे को बॉडी में सहनशीलता यानी एंड्योरेंस बढ़ाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको डोपिंग का केस मिला 1960 रोम ओलंपिक में, और एक रोड साइकिलिस्ट था जो पाया गया था, जो स्टिमुलेंट यानी एम्फेटामाइन ले रखा था, यानी कि स्टिमुलेंट्स उत्तेजक के अंतर्गत आता है एम्फेटामाइन्स, कोकीन, कैफीन, एफेड्रिन, मिथाइल एक्जामिनाइन, बीटा एगोनिस्ट, ये सभी आते हैं आपके उत्तेजक के अंतर्गत। एंड जो आपका होता है, एक होता है आपका स्टेरॉयड, एनाबोलिक स्टेरॉयड। एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है दुनिया का सबसे अधिक डोपिंग में प्रयोग होता है, और एनाबोलिक स्टेरॉयड का शॉर्ट में हम AAS बोलते हैं, यानी ए से हो गया एर्गोजेनिक, फिर ए से हो गया एनाबोलिक स्टेरॉयड। तो एंड्रोजेनिक का मतलब होता है पौरुष तत्व यानी मैस्कुलिनिंग, और एनाबोलिक का मतलब होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण, यानी कि मसल्स ग्रोथ, मसल्स क्षमता में इतना ज़्यादा पेशियों को ताकत बढ़ा देता है एनाबोलिक स्टेरॉयड, जिसे सहनशीलता में असीम वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत समझने लगता है। अगर इसको महिलाएं सेवन करें तो उनको पौरुष तत्व के गुण आ जाते हैं, जैसे आवाज़ भारी हो जाता है, दाढ़ी मूछाने लगती है एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वच्छता के 5 घटक हैं, घातक नहीं, घटक, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, एंड राइट हो जाएगा ए आपका आध्यात्मिक, सामाजिक और स्वस्थ वातावरण यानी स्पिरिचुअल, सोशल एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितना व्यायाम करना चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम टाइम पर ए पर्सन शुड एक्सरसाइज एवरी डे कीप हिमसेल्फ हेल्दी। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन कितना व्यायाम करना चाहिए, तो 30 मिनट, 30 मिनट पर डे, हफ्ता में, सप्ताह में 3 दिन, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्वास्थ्य संकल्पनाओं में से कौन सी संकल्पना नवीनतम है, तो दोस्तों जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये संकल्पना पहले ही था लेकिन नया संकल्पना जुड़ा हुआ है आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे रिलीजियस कॉन्सेप्ट यानी कि धार्मिक संकल्पना आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का व्यायाम आवश्यक है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, तो नियमित रूप से व्यायाम, हल्का भारी से मतलब नहीं है, नियमित रूप से व्यायाम होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक तो करना ही नहीं चाहिए कोई भी चीज़, तो यदि नियमित रूप से किया जाए तो वह सारी के फिजिकल फिटनेस व योग्यता को सुधार लाता है। एंड नेक्स्ट है फिट और स्वस्थ रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे फिट एंड हेल्दी, तो फिट और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है लाइफ स्टाइल, आप डेली बेसिस पे कैसा लाइफ स्टाइल, जीवन शैली जीते हैं, आपका रेगुलर बेसिस पे क्या दिनचर्या होता है, उठने का समय, जगने का समय, काम करने का समय, खाने का समय, एक्सरसाइज करने का समय, सभी चीज जीवन शैली डेली बेसिस पे क्या होता है, वो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपको स्वस्थ फिट रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यानी कि आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए अपने ग्रुप और सोशल मीडिया पे, एंड डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।